तो जैसा कि हम सबको पता है कि अब KGF चैप्टर 2 को आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, मतलब KGF की टीम ने तो प्रमोशंस भी चालू कर दिए हैं। और इसी बीच में हमें बहुत सी फैन थ्योरीज भी सुनने को मिल रही हैं KGF से रिलेटेड। लेकिन फैन थ्योरीज ही होती हैं, हम उन्हें सही भी मान सकते हैं और गलत भी। तो जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है कि रॉकी भाई के खिलाफ कितने लोग हैं मूवी में, जिसका मतलब साफ है कि रॉकी भाई को हर कदम पे किसी न किसी से फाइट करनी ही पड़ेगी। तो गाइस, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के मेन इवेंट्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि एक्चुअली KGF चैप्टर 2 में हम लोग क्या क्या देखना चाहते हैं। तो KGF के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किसी भी फैन थ्योरी के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे मूवी के मेन इवेंट्स के बारे में, जिनको मिलाकर ही KGF चैप्टर 2 बनने वाली है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो हम KGF चैप्टर 2 में क्या क्या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मेन इवेंट आएगा वो होगा स्लेव वर्कर्स का गुस्सा वानरा और गार्ड्स के लिए, क्योंकि रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया है और वानरा ने गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया है रॉकी को मारने का। तो मूवी की शुरुआत यहीं से हो सकती है। यहाँ हमें स्लेव वर्कर्स और गार्ड्स के बीच में फाइट दिखेगी और वहीं से रॉकी की सेना भी तैयार होगी। उसके बाद दूसरा इवेंट आता है रॉकी का KGF को अक्वायर करना। तो इस सीन में हमें ये देखना है कि रॉकी KGF में क्या क्या बदलाव करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गरुड़ा ने KGF को एक कैद खाना बनाया हुआ था और वहाँ पे वर्कर्स के लिए कोई सुविधा नहीं थी। और जैसे कि हमने तूफान सॉन्ग में भी देखा है कि रॉकी KGF में स्ट्रक्चरल चेंज करेगा, तो ये सीन भी देखने वाला होगा। उसके बाद आते हैं छोटे विलन्स जैसे शेट्टी और उसकी गैंग। तो जैसा हमें ट्रेलर में दिख रहा है कि शेट्टी का भी चैप्टर 2 में अच्छा रोल होने वाला है। ऑल्दो शेट्टी और रॉकी की फाइट का रिजल्ट क्या होगा ये हम सब जानते हैं, लेकिन स्टिल शेट्टी भी रॉकी से पहले से ही नफरत करता है और अब तो वो जानता है कि बड़े बड़े लोग रॉकी को मारना चाहते हैं। उसके बाद एंड्रू, कमल और राजेंद्र देसाई, ये तीनों वर्सेस रॉकी का सीन। लेट अगर रॉकी इन तीनों से पहले अधीरा को मार देता है तो ये तीनों रॉकी से फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों डरपोक है। और अगर ये तीनों फाइट करते हैं रॉकी से तो देखो कमल राजेंद्र देसाई के अंदर आता है। और ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि राजेंद्र देसाई रीना को लेकर KGF में आ रहा है, तो क्या पता राजेंद्र देसाई रॉकी को सपोर्ट करे। और अगर राजेंद्र देसाई सपोर्ट करता है तो कमल को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर कमल कुछ गद्दारी करेगा और रॉकी उसको मार देगा। और अब बात करते हैं एंड्रू के बारे में। तो जैसा कि हमें न्यूज से पता चला है कि एंड्रू ने अब बहुत खतरनाक बॉडी बना ली है, तो क्या पता एंड्रू और रॉकी का हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, क्योंकि ट्रेलर में एक सीन में हमें रॉकी बारिश में किसी से लड़ते हुए दिख रहा है। इन छोटे विलेंस के बाद आता है अधीरा द खलनायक, और असली बात ये है कि ये फाइट KGF चैप्टर 2 की रियली मेन इवेंट्स में से एक है। इस फाइट का इंतजार हम उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन बड़े पर्दे पर रॉकी ने गरुड़ा को मारा था। अब अगर इस फाइट को मेकर्स ने इम्पैक्टफुल बनाया तो ये सीन सबको हिला देगा, लेकिन अगर मेकर्स इस फाइट में फिजिक्स और ग्रेविटी को भूल गए तो सीन गलत हो जाएगा। मतलब हाँ, थोड़ा तो बनता है लेकिन हद ना हो जाए। हालांकि हमें KGF के मेकर्स पर पूरा भरोसा है, वो इतनी बड़ी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और आई एम श्योर कि इस मूवी का हर एक सीन हम फैंस के लिए ट्रीट जैसा होगा। इस सीन के बाद आता है रॉकी और रीना की लव एंगल वाला सीन। तो वैसे तो हम फैंस चाहते हैं कि रॉकी और रीना की शादी हो, लेकिन जैसा कि हमें पता चला है कि मूवी का रनिंग टाइम है 2 hours and 48 minutes, तो पॉसिबिलिटी ये है कि KGF चैप्टर 2 में रॉकी पूरी तरीके से बिजी रहने वाला है। तो क्या पता हमें मूवी में रीना तो दिखे लेकिन रॉकी और रीना की शादी ना हो पाए। इसके बाद जो मेन इवेंट है वो है रमिका सेन वाला। तो देखो भाई, रमिका सेन के साथ रॉकी का क्या पंगा है ये तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन ट्रेलर में, टीजर में और चैप्टर 1 में हमने हर जगह देखा है कि रमिका सेन रॉकी के पीछे पड़ी हुई है। और जिस तरीके से चैप्टर 1 में वो आर्मी वाला सीन दिखता है, उससे तो ये बात क्लियर है कि रॉकी चैप्टर 2 में मरने वाला है, वो भी रमिका सेन के हाथों। तो गाइज, ये थे वो मेन इवेंट्स जो हमें KGF चैप्टर 2 में दिखने वाले हैं या फिर हम देखना चाहते हैं। हम इन सीन को इमेजिन करके ही बहुत खुश हो रहे हैं। तो सोचो कि जब हमें ये देखने को मिलेंगे तो क्या होगा। वो ही होगा कि बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड टूटेंगे और हिस्ट्री बनेगी। तो गाइज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन इवेंट्स के अलावा आप मूवी में क्या देखना चाहते हैं, या फिर वो कौन सा सीन है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो गाइज, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।